हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सिप्लॉक्स डी आई और ईयर ड्रॉप के बारे में, जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा ये काम आ रहे हैं, क्योंकि इस समय आई फ्लू चल रहे हैं। आई फ्लू में ये काफ़ी बेस्ट रिस्पांस दे रहा है, ये डॉक्टर इसको लिखते भी हैं। और जानेंगे आगे किस परेशानी में इसको इस्तेमाल करते हैं, और बात करेंगे इसका डोज कितना होता है, कितने टाइम डाला जाता है, और बात करेंगे इसको डालने के बाद किसी किसी में क्या साइड इफेक्ट दिखता है, और लास्ट में बात करेंगे इसको डालने से पहले क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो बन रहे वीडियो के अंत तक। इससे पहले अपने चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मेडिसिन से जुड़ी हर रोज खबर मिलता है नया नया इस चैनल पे। आइए बात करते हैं सिप्लॉक्स डी ड्रॉप के बारे में। तो ये आप देख रहे हैं, ये सिप्ला कंपनी का दवा आता है, और ये 10 ml का पैक है। ये आपको मिल जाता है मार्केट में 24 रुपये में। और बात करें तो इसमें जो कंपोजिशन होता है वो आपका सिप्रोफ्लक्सासिन 0.3% वेट बाई वॉल्यूम होता है, और डेक्सामेथासोन आईपी 1.1% वेट बाई वॉल्यूम होता है, और बेंजाकोनियम क्लोराइड आपका 0.01% वेट बाई वॉल्यूम होता है, जो कि सिप्रोफ्लक्सासिन एक तरह का एंटीबायोटिक है, जो कि बैक्टीरिया की संक्रमण को मारता है और ठीक करने का काम करता है। और डेक्सामेथासोन जो कि स्टेरॉयड है, यह क्या करता है, यह दर्द में और इन्फ्लामेशन में काम करता है। आइए जानते हैं इसका यूज किस परेशानी में करते हैं। तो इसका यूज आई फ्लू में करते हैं, जो कि इस समय चल रहा है, जिसको कंजक्टिविटाइटिस प्रॉब्लम बोला जा रहा है, या पिंक आई प्रॉब्लम बोला जाता है। इसमें जो कि काफ़ी ज़्यादा इस समय इसका फैल रहा है, जो कि कोरोना की तरह ये बीमारी फैल रहा है इस समय। तो और ये दवा जो कि इसमें काम आ रहा है, जो कि शुरुआती दौर पर आपको अगर इन्फेक्शन है आई फ्लू को, तो इसमें ये बहुत बेहतर काम कर रहा है। बात करें तो जैसे कि इसका जैसे कि लक्षण ये है आई फ्लू का, आँख जो है कि लाल हो जा रहे हैं, आँख में चुभन हो रहा है, आँख सूज जा रहा है, आँख में दर्द हो रहा है, जलन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आँखों से पानी लगातार गिर रहे हैं, और जैसे कि बार बार चिपचिपा सा पदार्थ आँखों से गिर रहा है, और सुबह सो के उठते हैं तो आँख सड़ जाता है और काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। ये सब परेशानी आई फ्लू का लक्षण है, जो कि कंजक्टिविटाइटिस प्रॉब्लम बोलते हैं मेटो भाषा में, या पिंक आई प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ये सब परेशानी में इस्तेमाल किया जाता है सिप्लॉक्स डी। ये कानों में भी इस्तेमाल हो सकता है, अगर कान में बैक्टीरिया इन्फेक्शन है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब जान लेते हैं इसका डोज कितना होता है। तो इसका डोज जैसे कि बड़ा व्यक्ति है तो 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम को। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर 4 टाइम भी लिखते हैं, लेकिन डॉक्टर के देखने के बाद ही उस तरह का डोज दिया जाता है। और बच्चे में जैसे कि 12 साल से 5 साल तक बच्चे हैं, तो उनमें 1 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दिया जाता है 1 बूंद। और 5 साल से नीचे हैं, जैसे 2 साल से 5 साल तक, तो 1 बूंद सुबह 1 बूंद शाम को 2 टाइम दिया जाता है। इस तरह का डोज है, और ये 3 से 10 दिन तक चलता है, क्योंकि आई फ्लू 3 से 15 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड उसका रहता है। ज़्यादातर लोगों को 3 दिन के बाद आराम मिलने लगता है, 5 दिन तक ठीक हो जाता है। तो ये दवा जब तक आपको आराम ना मिले तब तक इसको डालें। जैसे कि 5 दिन में ठीक हो जाए तो 5 दिन बंद कर दें, 3 दिन में ठीक हो जाए तो 3 दिन पे ही बंद कर दें, और 10 दिन 15 दिन चले तो 15 दिन डालें। अगर ज़्यादा परेशानी है तो डॉक्टर से दिखा भी लें। ये है इसका डोज। अब जान लेते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए, अगर आँख में डालने के बाद आँख में दर्द, जलन, सूजन, जिस परेशानी में डाल रहे हैं वो परेशानी अगर बढ़ जाए तो समझ जाए साइड इफेक्ट कर रहा है, बंद कर दें और अपने डॉक्टर से बोले भी। लेकिन बहुत रेयर केस में इस तरह किसी को दिखाई देता है। प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए, प्रिकॉशन ये है कि आपको जब भी लेना है तो मार्केट में इसको एक्सपायरी डेट चेक करना है, और अंदर इस तरह का खोल के देख ले, ये सील पैक है कि नहीं, ये यहाँ पर छेद नहीं होना चाहिए। जब भी आप इसको डालें तो उसको अच्छी तरह से पैक कर दें, और ये आपको एक बार खोलने के बाद 1 महीने के बाद ख़राब हो जाता है। और प्रिकॉशन ये है कि कोई भी मेडिसिन डालने से पहले डॉक्टर से एक बार राय लेकर तब डालें। और प्रिकॉशन ये है कि ज़्यादा आँखों में परेशानी है तो आप डॉक्टर से दिखा के तब कोई दवा डालें। और प्रिकॉशन ये है कि कोई भी मेडिसिन चल रहा है तो इसको ना डालें, डॉक्टर से दिखा के तभी डालें। ये सब प्रिकॉशन है, और ये रही पूरी जानकारी सिप्लॉक्स डी के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेडिसिन से जुड़ी हर रोज़ खबर मिलता है इस चैनल पर। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।